हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और बिल्कुल रेडी हूँ। पीछे सामान देख रहे हो, बहुत ज्यादा सामान है। सिकर भाई को भी सुबह सुबह परेशान करते हैं। अभी सो आउट के जा रहे हो ना? यस। मुझ पे रात हिमांशु भैया की कॉल आई कि चल रहे हैं हम लद्दाख। पहले एक दो हफ्ते पहले जा रहे थे तो उस टाइम पे जा नहीं पाए, किसी भाई की कोई दिक्कत आ गई थी। फिर जाते एक दो महीने बाद, लेकिन एकदम से रात 11:30 बजे करीब भाई को लेके अगले दिन 11 बजे तैयार मिलना मुझे, बिल्कुल कपड़े वपड़े पैक करके। मैं मना कर रहा है कि ना मुझे तैयार चाहिए, सामान रखना तो रख लिया, बाकी कपड़े तो भीगे हुए थे, जो भी थे प्रेस वाले सब रख लिए मैंने। अब चलते हैं, मेरे को जाना जोवा, तो शिखर भाई मुझे जोवा छोड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पे चल के मिलवाता हूँ कौन कौन जा रहे हैं कैसे कैसे। तभी से एडवेंचर होने लगा, बारिश का मौसम, चोर बहुत दिखाऊंगे मैं, एक चोर दिखाता हूँ आपको, मेरे बराबर बैठा दिखाता हूँ क्या चोरी करी है। ये भाई गाड़ी का डैशबोर्ड, और ये भाई की गाड़ी में रख गए पीवीआर के ये 3D वाले चश्मे। हाँ भाई, कैसे लेके आए तुम? बहुत बढ़िया भाई, गुड। अभी आ गए हम गाजियाबाद, और ये अपने हिमांशु भाई, ये अपने मनी भाई, और एक और भाई है अपने साथ, वो भी जरा बाहर फोन पे जरा मीटिंग में ज्यादा तगड़ी, तो ये अपना अब सामान आ गया। और हम जा कर रहे हैं भैया, थोड़ी डिटेल कैसे प्लान बना, कैसे कैसे बनी गए रात में। तो अभी है हम कहाँ पे? नीलकंठ करनाल। नीलकंठ करनाल, हमारा पूरा दिन आज का ऐसे ही बेकार हो गया। गोली मिली हमें, मतलब जिस भाई ने प्लान बनाया था पूरा लद्दाख का, तो दिक्कत हो गई, इस वजह से प्लान कैंसिल हो गया उनका, और हमारा पूरा दिन उसी में रहे, उन्हें मनाने में, उनके घर घूम मनाने में। दो तीन जगह ऐसे घूमते रहे, फिर हम खुद ही निकल आए, और चार भाई और पीछे आ रहे हैं, उनकी गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। टाइम क्या हो रहा है भैया? टाइम हो रहा भाई 3:17। 3:17 हो रहे हैं अभी हम करनाल, और हम जा रहे हैं अभी हम चंडीगढ़ रुकेंगे जाके, तो बाकी देखते हैं क्या क्या होना। दालीला में रुकेंगे, जो भाई के मेरे फैन हो वो आ जाए। आ जाना अपने साथ ड्राइवर चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ मीटअप। एक दिन वो भी आएगा, मेरे भाई का आएगा बिल्कुल। भाई का भी यूट्यूब चैनल सबसे उधर वाले भाई का भी, पर नाम नहीं बता रही। चाय पीते हैं फिर चलते हैं यहाँ से, बिस्किट अब चलते हैं अंदर, यहाँ पे रुके हैं हाल में, और अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़। यहाँ से आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया, मतलब बीटी याद हो गई आज, मतलब जिस भाई ने प्लान करा था वो उस भाई ने गोली दे दी, गोली क्या घर को ने मना कर दिया, तो अभी चलते हैं बिस्किट ले ली, चाय पीते हैं, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। मैं तो सुबह आ रहा हूँ, भैया चला रहे थे, चलते हैं अंदर। हालत खराब हो गई है, अभी हम रुके हैं मनाली से 70-80 किलोमीटर पहले, यहाँ पे आम वगैरह ले रहे हैं। आम कैसा? आम तो बहुत बढ़िया, भाई खान नहीं देखते। देख लो भाई की बॉडी। मनाली मनाली रुक के मिलते हैं आपको कल 11 बजे से। अब टाइम क्या हो गया? 11:30 हो गए हैं, गाड़ी में ही बैठे हैं, गाड़ी में ही बहुत ज्यादा हालत खराब है। चलते खाना वाना खा लिया है, कहाँ पे भैया? सुंदर नगर में खाना खा लिया अभी, और शॉपिंग कर लिए, क्योंकि एकदम प्लान बना था तो ज्यादा कपड़े पैक नहीं करवाए थे, तो यहाँ से ले लिए कपड़े, बाकी आगे खड़े हैं भैया, तो चलते हैं यहाँ से। अब आपको डायरेक्ट मिलेंगे हम मनाली में। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ये भी खाना खा के फोन पे कॉल कर रहे हैं। लड़ाई होते होते बच गई गाइस, लड़ाई होते होते बच गई गाइस, जैसे मैं कार से निकला लड़ाई खत्म हो गई गाइस। तुमने लड़ाई खत्म करवा दी है गाइस? हां बिल्कुल। अभी तक हम मनाली नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत देर हो गई है। कितनी देर और पहुंचेंगे भैया? एक घंटा। लो जाम देख लो भाई, जूम करके लो, आ गए हैं मनाली, और होटल ले लिया है, अभी चलते हैं अंदर, सामान शिफ्ट करते हैं, सारा निकालते हैं इसमें से। ये हमारा होटल, और मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है, ऊपर बादल वो दिख रहे होंगे आपको, बादल ये देखो, पूरा बारिश का मौसम हो रहा, मजा आ रहा है फुल। अभी रूम ले लिया अंदर, और चलते हैं। सामान भी बहुत है। फाइनली आ गए हैं अपने रूम में, अब नहाएंगे पियेंगे, और नींद आ रही है बहुत बिकट। एक दिन पूरा एक दिन हो गया गाड़ी में बैठे बैठे। मैं अभी आपको अपना रूम टूर देता हूँ, और दिखाता हूँ रूम से व्यू कितना खतरनाक आ रहा है।
ये हमारा होटल, ये अपना रूम 301। अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर हो तो आ जाना। इधर ये वॉशरूम, ये मैं, ये हमारी टब, अभी इसमें नहाया जाएगा। और बाकी ये मैं, और ये बंद कर दूँ जरा पहले। ये अलमीरा है, इसमें हमने ये गद्दे रखे हैं, इनका भी हम यूज़ कर लेंगे। ये हमारा कपड़े सामान, और ये अपने भाई लेटे पड़े हैं, ये सामान सारा पड़ा है। इस खिड़की से ये होटल दिखता है, ये भी मतलब पूरा एक ही है। और ये मैं दिखता हूँ यहाँ से, अब मैं ना यहाँ का व्यू ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो, कितनी तेज पानी चल रहा, आवाज आ रही है भाई पानी की, और वो ऊपर बादल। आ गया हूँ, अब अपनी चाय पीते हैं, थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, सब नहा लिया, अपना भाई रह गया नहाने से, ठीक है। घर ही नहाया था कल, ये परसों घर ही जाके नहाऊंगा जब तक मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर ना होने। भाई आ गया अपना खाना, अब खाते हैं और सो जाएंगे, बहुत तेज नींद आ रही है। ये डाइट बिल्कुल खत्म हो गया, डाइट बिल्कुल जीरो नहीं हो पा रही। अब खाते हैं फिर सो जाएंगे। दो एक दिन से पूरे दिन कोई नहीं है, रात भी पूरी रात जग रहे थे। अभी हो रही है सुबह हमारी मनाली में, रात खाना खा के एकदम सो गए थे, क्योंकि एक दिन से पूरा सोए नहीं थे बिल्कुल भी। पूरा दिन जो था हमारी ट्रिप का, मतलब जो अपने भाई थे मानश भाई, भरत भाई गाजियाबाद से, उन्होंने मतलब ट्रिप बनाई थी कि लद्दाख चलते हैं, मानसू भाई से बात करें कि चलते हैं लद्दाख, सब कुछ उन्होंने करा था। लेकिन फिर एंड टाइम पर आकर फिर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, मतलब मना ही कर दिया हमने। मतलब हम पूरे दिन उनके पास गए, उनसे कही ऐसे ऐसे, फिर उनके घर गए, घर वालों से बात करी, लेकिन फिर उन्हें भेजे ही नहीं। तो ये इतने हमें रात चले थे हम गाजियाबाद से 1:30 बजे, 1:30 बजे से 3 बजे तक पहुँचे हम करनाल। करनाल से फिर हम डायरेक्ट हम सोच रहे थे चंडीगढ़ उठेंगे, चंडीगढ़ उठे तो डायरेक्ट हम मनाली आए, मनाली रुके थे हम, बहुत ज़्यादा थके थे, फिर सो गए रात। ये ब्लॉग थोड़ा छोटा भी है, बाकी अब ये लद्दाख सीरीज आती रहेगी तो देखना, बहुत इन्जॉयमेंट होगा, बहुत एडवेंचर होगा, मज़ा आएगा। बाकी मैं अभी आपको मौसम दिखाता हूँ कितना प्यारा होगा। ये देखो गाइस, उधर धूप, ये ठंड, और इधर ये दिख रहे बर्फ़ के पहाड़। ये बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे लोग आए शेयर जरूर करना बिल्कुल। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, ब्लॉग आते रहेंगे एक एक दिन का कहते हुए, जैसे जैसे नेटवर्क आएंगे ब्लॉग आते रहेंगे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना, बाकी मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता रहूँगा, चेक कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @_jatrana। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना भाई। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ रजौरी से दादर है, शोर वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है, पागल है।